जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुगलक डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स और उनके इवेंट फैक्ट, साथ ही उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बेसिकली दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी की जितनी इंफॉर्मेशन एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सारी इस वीडियो में कवर की गई है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे खिलजी डायनेस्टी के मुबारक खान को गाजी मलिक और उनके ऑफिसर्स द्वारा ओवरपावर किया जाता है और दिल्ली सल्तनत पे तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस डायनेस्टी के सारे रूलर्स को एक एक करके देखते हैं। 1320 में घियासुद्दीन तुगलक, या कह सकते हैं गाजी मलिक द्वारा तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया जाता है, या कह सकते हैं कि इसी टाइम पे घियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पे खुद को रूलर डिक्लेयर किया था। यानी अब इसके हाथ में स्लेव डायनेस्टी की पूरी टेरिटरी आ चुकी थी, जिसमें वो बंगाल, उत्काल, वरंगल को भी जोड़कर तुगलक डायनेस्टी को एक्सपेंड कर देता है। दोस्तों, उत्काल की लोकेशन आज के ओडिशा के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पोर्शन को कहते हैं, साथ ही वरंगल के सेंटर को आज के तेलंगाना के एक सिटी के सेंटर से मिलाया जाता है। दोस्तों, इसका टेन्योर एग्जाम परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब 1325 ईस्वी में इसकी डेथ हो जाती है। और अब इसके मरने के बाद तुगलक डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर बनता है जौना खान, जिसे हम उलक खान के नाम से भी जानते हैं। और रूलर बनते ही इसने अपना नाम चेंज किया, या कह सकते हैं कि इसने टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये रूलर बनते ही अपना खजाना बढ़ाना चाहता था, जिस कारण ये अपने टेरिटरी के सोसाइटी पे काफी ज्यादा टैक्स लगाता है, जिसमें से सबसे पहले ये डोब रीजन पे टैक्स बढ़ाता है। डोब रीजन बेसिकली वो रीजन हुआ करता था जो कि दो नदियों के बीच में होता था, जैसे यहाँ पे गंगा और यमुना के बीच में देख सकते हैं। अब इतने ज्यादा टैक्सेस के वजह से जितने पुअर बैकग्राउंड से लोग आते थे, जैसे फार्मर्स हो गए, वो सारे लोग इसकी सोसाइटी को छोड़कर जंगलों में जाके एस्टैब्लिश होने लगते हैं, जिस कारण इसकी सोसाइटी में फूड जनरेट होने में काफी दिक्कतें होने लगी थी। और अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी पे शिफ्ट कर दिया और उसका नाम बदल दिया दौलताबाद। ये इसलिए किया गया था ताकि ये साउथ इंडिया पे अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर सके। और इसने ही टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कॉपर और ब्रास के सिक्के आते थे। लेकिन इस करेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ी कि इन कॉपर और ब्रास के सिक्कों और गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों के वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं था, जिस कारण इस करेंसी को विथड्रॉ कर दिया जाता है। अब इसके जो फेल्ड एक्सपेडिशन है, आइए उस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। अब इसने खुरासन, इराक, ट्रांसोशियाना को जीतने के लिए उन पे हमला किया और माना जाता है कि उस समय इसकी सेना 370,000 की थी। लेकिन ये इन सारे हमलों में फेल हो गया और इतनी बड़ी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए इसकी इकोनॉमी डाउन चली गई। और अब ये 1338 एडी में कुल्लू कांगरा में कराचिल एक्सपेडिशन करता है, जिसकी लोकेशन आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और इसने यहाँ पर भी अपनी इकोनॉमी में से काफी खजाना लगाया। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि तुगलक हिमालयास को क्रॉस करके चाइना में इन्वेड करना चाहते थे अपनी इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए। अब दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक अपने सोसाइटी पे काफी टैक्स लगा चुका था, साथ ही वो अपनी टेरिटरी की इकोनॉमी भी डाउन कर चुका था, और यही बहुत बड़ा कारण बनता है रिवॉल्ट का, जो कि हमें तब देखने को मिला जब जलालुद्दीन अहसन शाह मदुराई को इंडिपेंडेंट कर देता है तुगलक डायनेस्टी से। साथ ही इधर हरियर और पक्का भी वरंगल को इंडिपेंडेंट कर देते हैं तुगलक डायनेस्टी से और एस्टैब्लिश कर देते हैं विजयनगर एम्पायर, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इधर हसन गंगू भी एक फिक्स्ड टेरिटरी को इंडिपेंडेंट कर देते हैं तुगलक डायनेस्टी से और एस्टैब्लिश कर देते हैं बहमनी सल्तनत। और अब 1351 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक थट्टा में मर जाता है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में लोकेटेड है। और इसके बाद इसकी जगह पे रूलर बनता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि घियासुद्दीन तुगलक के बड़े भाई का बेटा था, यानी कि कह सकते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और रूलर बनते ही दोस्तों, सबसे पहले ये एग्रीकल्चरल लोन को खत्म कर देता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाया गया था। साथ ही इसने रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ाई, ये वही ऑफिसर्स होते थे जो टैक्सेस और आदि जाकर कलेक्ट किया करते थे, या कह सकते हैं कि और भी तरह के रेवेन्यू सोसाइटी से लिया करते थे। साथ ही इसने उन सारे अनलॉफुल टैक्सेस को बैन कर दिया जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए थे। और इसके टेन्योर में ये सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट टैक्स ही कलेक्ट हुआ करते थे, खराज, खाम्स, जजिया, जकात। खराज टैक्स में ये होता था कि लैंड के द्वारा जितने भी अनाज प्रोड्यूस होते थे, एक इंडिविजुअल को इस डायनेस्टी को उसका 1/10 देना रहता था।
खाम्स टैक्स में ये होता था कि जो इंडिविजुअल बैटल प्लेस से जितने भी वॉर के आइटम्स लेके आते थे उन्हें उसका 1/5 हिस्सा देना होता था। साथ ही जजिया नॉन मुस्लिम्स या कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स पे लगाया गया था और जकात टैक्स मुसलमानों पर लगाया गया था। यानी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जब रूलर बनता है तो वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड ना करके सबसे पहले अपनी इकोनॉमी बनाता है, अपनी सोसाइटी में बगावत ना हो सके इसलिए ये सारे टैक्सेस को हटा देता है। और अब दोस्तों इसने अपनी टेरिटरी में कुएं, ब्रिज, डैम्स साथ ही कई इरिगेशन कैनल्स बनवाए। इरिगेशन कैनल बेसिकली छोटी छोटी नदियां हुआ करती थी जो लगभग हर गांव में बहती थी। और अब इसके बाद फिरोज शाह तुगलक हक ए शर्ब हाशिल ए शर्ब नाम से एक टैक्स लगाया जो कि वाटर टैक्स हुआ करता था। साथ ही इसने टाउन्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, ये सारे टाउन्स के नेम इनके रूलर्स से मिला करते थे। साथ ही इसने हॉस्पिटल्स बनवाए जिन्हें दार उल साफा कहते हैं और मैरिज ब्यूरो भी बनवाया जिसे दीवानी ई खैरत कहते हैं। साथ ही इसने गरीबों को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए दीवान ई स्टिप कप बनवाया। अब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़े और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जान लेने चाहिए, जैसे फुतुहत ई फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी बुक है फिरोज शाह तुगलक की। और दोस्तों इसी के कार्यकाल के दौरान मेडिसिन, साइंस, आर्ट इन सारी किताबों को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाता है। साथ ही फिजिक्स की बुक को भी ट्रांसलेट किया जाता है जिसका नाम कुतुब फिरोज शाही रखा जाता है। और अब हम देखते हैं दोस्तों कि तुगलक डायनेस्टी कैसे खत्म हुआ। और अब दोस्तों 1388 एडी में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है और इसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। और दोस्तों 14th सेंचुरी एडी के एंड तक तुगलक डायनेस्टी की बहुत सारी टेरिटरीज इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, यानी खुद का एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर देती है। साथ ही दोस्तों 1398 एडी में इस एरिया पे तैमूर का इन्वेजन हो जाता है जो कि समरकंद का था और भारत के खजाने को देखकर अट्रैक्ट हुआ था। और जब ये आता है तो तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और दोस्तों तैमूर सिर्फ खजाना लूटने आया था जिसके लिए वो काफी हत्याएं करता है और दिल्ली पे बेरहमी से हमला करके वहां के खजाने को लूट लेता है। दोस्तों इसी के साथ तुगलक डायनेस्टी का भी खात्मा हो जाता है और फाइनली तुगलक डायनेस्टी को मुल्तान के गवर्नर खिजर खान द्वारा ओवरपावर किया जाता है और एस्टेब्लिश कर दिया जाता है सैयद डायनेस्टी, जिसकी हिस्ट्री मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।